दोस्तों, मैं हूं राम के प्रजापति और आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पर्सनल फोटो को कैसे छुपाएं मोबाइल में। जी हां दोस्तों, पर्सनल फोटो को कैसे छुपाएं अपने मोबाइल फोन। तो पर्सनल फोटो पर्सनल वीडियो छुपाने के लिए ऐप कौन सा है, इसके ऊपर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं क्लियरली। तो आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, वरना हो सकता है कि आप किसी ऐसे ऐप को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करके अपने फोन में अपने प्राइवेट फोटो या फिर सीक्रेट फोटो या फिर पर्सनल फोटो और वीडियो आपने उसमें रख दिए और वो जो ऐप है वो आपके फोटोज को जो है हैक कर ले तो और उसके बदले में आपको रिकवर करने के लिए पैसे मांगे, तो ये सारी चीजें आपके साथ ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पर्सनल फोटो को किस ऐप में रखना चाहिए और कैसे छुपाना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग को नहीं छुपाना चाहिए, ऐसे कई सारे ऐप हैं जो ऐसे बोलते हैं कि भाई इसमें आप जो है अपने फोटो को हाइड कर सकते हैं, अपने वीडियो को हाइड कर सकते हैं, अपने ऐप को हाइड कर सकते हैं। और उसी सारे ऐप में वो लोग ये भी फीचर्स देते हैं कि आप लोग अपने फोटो को जो है छुपा सकते हो। ठीक है, पर्सनल फोटो भी छुपा सकते हो, लेकिन वो सभी चीजें सेफ नहीं है। मैं आप लोग बता दूं, हर एक जो है जो ऐप था उसमें कुछ ना कुछ ऐसे रिव्यू थे कि मेरा फोटो जो है 1000 मतलब फोटो मेरा इस पर से डिलीट हो गया। आपको अपने पर्सनल फोटो को छुपाना है, सेफ जगह पर रखना है, तो उसके लिए कोई भी आपको जो है ऐप चाहिए। ठीक है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कोई भी ऐप को डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल करके किसी भी ऐप का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये जो ऐप है उसमें कुछ रिव्यू है, ताकि आप लोग को ट्रस्ट हो जाए कि हाँ भाई आपको इस तरह के ऐप से बच के रहना चाहिए और अपने पर्सनल फोटो को इसमें नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो ऐप है मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, इसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम नहीं बता सकते, और यहाँ पर आप रिव्यू पढ़ लीजिए सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर जो लोगों ने इसको डाउनलोड किया है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। तो यहाँ पर लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। ठीक है, 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। रेटिंग भी इसको 3.3+ रेटिंग मिली हुई है। 14 MB का ऐप है और 6 लाख जो रिव्यू है। ठीक है, इस फोटो का मतलब कहना है कि ये जो है आपके फोटो को हाइड कर सकता है, आपके वीडियो को हाइड कर सकता है, आपके फोन में जो म्यूजिक है उसको हाइड कर सकता है, जो आपके फोन में एप्स हैं उनको हाइड कर सकता है, आपके फोन में जो नोट्स हैं, कॉल हैं, मैसेज हैं, उन सबको आपके फोन से हाइड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोटो मतलब ये जो ऐप है ये इस फीचर्स के लिए आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो रिव्यू पढ़िए, चलो आपको आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, इसको रेटिंग जो 4.1 की रेटिंग मिली हुई है, देखिए पहला मतलब ये जो रिव्यू है कितना बैड है, 1 स्टार ही मिला हुआ है। इन्होंने क्या बोला है कि आई हैव लॉस्ट माई ऑल फोटो एंड वीडियोज। ओके, मतलब मैंने जो है पूरा फोटो मतलब और वीडियो पूरा जो है हमने खो दिया। आई हैव सेव्ड मोर देन 1000 इम्पोर्टेंट फोटो एंड वीडियोज। ओके, एंड इट फेल्ट रियली वेरी बैड टू यूज दिस ऐप। ठीक है, इसका मतलब क्या है आप लोग समझ सकते हैं, दोज पिक्चर आर कलेक्टेड मोर देन 1 ईयर। ओके, मतलब 1 साल से उन्होंने इस जो है फोटोज को कलेक्ट किया था जो कि मतलब 1000 थे। काइंडली कॉन्टेक्ट मी, प्लीज फिक्स दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, कांट रिकवर मिसिंग फोटो एंड वीडियो बाय द बैकअप ऑप्शन, प्लीज फिक्स दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। दोस्तों, इससे आपको क्या लगता है कि अगर आप लोग अपने पर्सनल फोटोज को ऐसे इस तरह के ऐप में रखते हैं तो क्या होगा? मैं बोलता हूं कि आपको सिर्फ यही जानना है ना कि पर्सनल फोटो को कैसे छुपाएं, इसके लिए आपको कौन सा ऐप इस्तेमाल करना है। मैं आपको बताता हूं कि गूगल फोटोज ऐप एक है। ठीक है, गूगल फोटोज ऐप है, वहां पर आप लोग अपने फोटोज को रख सकते हैं और उस पर जो है आप उसको लॉक कर सकते हैं, और आप चाहें तो गूगल ड्राइव में भी रख सकते हैं, वहां पर भी आपको 15 GB का पूरा जो गूगल का स्पेस मिलता है 15 GB का मिलता है। जीमेल है, गूगल फोटोज है, मतलब तो हर जगह जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 GB कम नहीं होता वहां पर, आप फोटो के साथ चाहो तो वीडियोस, अपने डॉक्यूमेंट, कोई नोट्स है, कोई APK फाइल है, ऐप है, उन सबका जो बैकअप चाहो तो आप गूगल ड्राइव रख सकते हो। और गूगल पूरे दुनिया का जो सबसे टॉप नंबर का सर्च इंजन है। ये फालतू के ऐप्स को मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए और अपने जो है पर्सनल फोटो को रखिए। मैं नहीं बोलूंगा कि आप जो है ऑनलाइन रखिए, रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो सेफ नहीं है। इससे अच्छा ये है कि आप जो है क्लाउड स्टोरेज बाय कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन आप जो है पर्सनल फोटो को जो है गूगल पे रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट को आप जो है डिजी लॉकर ऐप में भी रख सकते हैं जो कि सरकारी है। मैं कहता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पर्सनल फोटो को कहां रखना है, कैसे छुपाना है। टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।